कैसे उसको लेकर जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे थोड़ी राहत तो हमें मिलती हुई दिख रही है। वैसे कई शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भाई ये इसमें तो कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है, ये तो परेशानी का सबब है। तो सवाल यह है कि बहाना अगर टूटिएगा तो उसका कोई इलाज है? आप ही के कहने पर हम पूछ लिए भाई टिफिन काहे नहीं दिए, तो बोले कि अगर टिफिन देते तो 1:30 बजे तक स्कूल चलाना पड़ता, दक्ष कमीशन दक्ष क्लास चलेगा ही चलेगा। तो भाई आपको अगर 15 मिनट को गैप चाहिए, बड़ा पढ़ाने वाले आप लोग कितना है पब्लिक से बेहतर, हमसे बेहतर कौन जानता है? अरे भाई वैसे ही जो है जो क्लास में इधर उधर जाने से थोड़े 6:30 बजे का राहत मिला ना भाई, ये राहत कब बड़ी राहत है, इसको आप राहत नहीं मानते हैं? इसका मतलब है कि अभी भी आपका वही सोच है भाई, जब मन हो तब आए या जब मन हो तब चले जाए, यही हुआ ना। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों को ये राहत है, और ये राहत इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस स्तर पर ये फैसला हुआ है वो फैसला यह जताने के लिए काफी है कि के पाठक की वापसी के बाद अब लगता है खत्म हो चुकी है, मतलब के पाठक वापसी की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। चलिए आनंद पुष्कर जी से बात करते हैं। आनंद पुष्कर जी काफी मेहनत किए इस पर, कल से लगातार मतलब पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। आनंद पुष्कर जी क्या मानते हैं? वैसे शिक्षकों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो अभी भी कह रहे हैं कि कोई राहत नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए तब आपको राहत महसूस होगा, ये बताइए। टिफिन नहीं दिया गया, 5 मिनट 10 लगातार 9 घंटे कर दिया गया। अरे भाई कितना लगातार 9 घंटे कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ाना आपको है ना। ये राहत मिला ना कि भाई 7 बजे से पहले नहीं पहुंचेगा आपको जांच करने के लिए, 7 बजे भी नहीं जाए पहुंचने के, यही ये तो आप तय कीजिएगा ना। इसलिए जो राहत है वो वाकई में राहत है, इस पर भी आपको लगता है कि ये राहत नहीं है, फिर तो भगवान मालिक है। तो कितना जो नजरिया शिक्षकों के अंदर शिक्षक नेता बना रहे हैं, फिर आपको गच्चा खाइएगा। सिद्धार्थ व्यवहार कुशल जरूर है लेकिन निर्णय लेने में पाठक से भी हार्ट हिटेड शॉट मारते हैं ये। अगर ये दिमाग में सेट बैठ गया कि इसके बावजूद भी शिक्षक बहाना ढूंढ रहे हैं तो फिर ठीक है, पाठक का ही राज चलेगा, क्या दिक्कत, सरकार को क्या दिक्कत। चलिए जरा सुनिए आनंद पुष्कर जी क्या करते हैं। पुष्कर जी बधाई हो आपको, एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है के पाठक तौर से, और चलिए चलिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल आप मुलाकात की थी अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ, हालांकि सिद्धार्थ से आप पहले भी मिलते रहे हैं, और शिक्षा को लेकर जो कुछ भी पत्राचार के बाद जो भी एक्शन होता रहा है उसके साक्षी तो मैं खुद हूँ, लेकिन ये बड़ी राहत है शिक्षकों, क्या वो राहत है? देखिए सबसे बड़ी बात है संतोष जी की, लगातार 1.5 वर्षों से आप शिक्षा की व्यवस्था को देख रहे हैं और शिक्षकों के तमाम सवालों को भी आप उठाते रहे हैं। आपने देखा होगा मैं को लेके बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधानसभा हो या शिक्षकों को लंबित मांगे रही हैं, सड़कों से लेके सदनों तक विद्यालय के समय की आवाज उठते भी रहे हैं। कल हमारी बात जब नए एसीएस महोदय जो आए हैं सिद्धार्थ जी, उनसे पूर्व से कल लगातार मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी के वो प्रधान सचिव भी रहे हैं, तो वहां से भी उनसे एक व्यक्तिगत, तो कल जब हमारी उनसे बात हुई उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया भी, 4 बजे हमारी मीटिंग उनसे तय हुई थी, और हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव श्री विनय कुमार मोहन जी भी हमारे साथ गए हुए थे, और हम लोगों ने कई विषयों पर बड़ी चर्चा की, विद्यालय के समय पे भी चर्चा हुई और छुट्टी को लेके भी चर्चा हुई, जिसमें विद्यालय के समय में उन्होंने सारी बातों को समझा जाना, पूर्व में विद्यालय कितने बजे संचालित हुए हैं, अभी की परिस्थिति में विद्यालय की क्या स्थिति है, मिशन दक्ष या विशेष कक्षाएं किस तरह से संचालित होती है, उनके कई सवाल थे जो सवालों का जवाब हम लोगों ने दिया।
उन्होंने फिर पूछा कि आखिर यह विशेष कक्षा और मिशन दक्ष भी कैसे आयोजित की जाएगी। इस पे हम लोगों ने बताया कि उस टाइम बॉन्ड के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैंने उनको एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रोविजन को भी उनको मैंने दिखाया, जिसमें यह था कि 45 घंटे का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसको शिक्षा विभाग बार बार 45 घंटे की चर्चा करते रहा है। तो इस पे भी उनकी सकारात्मक दृष्टि पड़ी। फिर शिक्षा विभाग के पूर्व के जितने भी पत्र थे वो सारे पत्रों को भी मंगा के उन्होंने देखा, जिसमें अमरजीत सिन्हा से लेके कई लोगों का पत्र था। पत्र देखने के बाद उन्होंने सकारात्मक निर्णय भी लिया और तुरंत उसी समय शिक्षा विभाग में एकदम हलचल शुरू हो गई। उन्होंने निर्देश भी दिया कि 6:30 बजे से 11:30 बजे तक, लेकिन टाइम में थोड़ा वो 12:10 तक वो किया गया है, कक्षा 8 में विशेष कक्षा और मिशन दक्ष को इंक्लूड करते हुए किया गया है। तो एक लोगों के लिए, एक शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, क्योंकि उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी इस परिस्थिति में विद्यालय जाने में आने में, और काफी लंबे समय तक 1:30 बजे के बाद उनका बीसी होता था, बीसी में भी हेडमास्टर को भूखे बैठना पड़ता था 3 बजे तक। तो वो सब सारी परिपाटी को इन्होंने खत्म किया है। और ACS महोदय को आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू से ही सकारात्मक इंसान के रूप में उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे फैसले उन्होंने लिया है। लेकिन विद्यालय परिवर्तन के रूप में जो उन्होंने फैसला लिया है वह बहुत ही सराहनीय, शिक्षक हित में है और छात्र हित में फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन आनंद जी, जो हम लोगों के पास खबर है, जैसे निरीक्षण जो समय पर शिक्षक पहुंचे, इसके लिए जो के पाठक ने जो एक प्रोटोकॉल बनाया था, या यूं कहिए जिस तरीके से वो निरीक्षण करने की एक टीम बनाई थी, वो टीमों का निरीक्षण जारी रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानाचार्य से जो रोजाना अपडेट लिया जाता था, वो सारे अपडेट लिए जाते रहेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो पत्र निर्गत हुआ है निदेशक के यहाँ से, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन भी किया है कि 6:30 बजे से 6:45 तक प्रार्थना सभा चलेगा। और अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो विद्यालय शुरू होने के 10 मिनट पहले विद्यालय में वो चले आएंगे। स्पष्ट रूप से उनके आदेश में यह बात मेंशन किया हुआ है। और रही बात निरीक्षण की बात है, तो निरीक्षण पे भी उन्होंने पूर्व में भी बीसी में कहा था, हम लोगों को भी उन्होंने कहा, जो मैंने उनको संज्ञान में दिया कि बहुत तरह के जो छोटे पदाधिकारी हैं पैसा उगाही का काम करते हैं, 2-3 मिनट शिक्षकों का विलंब होता है तो हाजिरी काटने की बात हो जाती है। तो उन्होंने अपने आदेश में भी कहा है कि शिक्षक के पहुंचने के 1/2 घंटे के बाद वो विद्यालय में जाएंगे निरीक्षण करने के लिए। तो मान लीजिए कि वो उनका जो समय का निर्धारण किया जा रहा है वो 7 बजे जाएंगे और विद्यालय छूटने के 11:30 बजे के आसपास में वो लोग निरीक्षण करके अपना जाएंगे। अभी तक की जो उनकी जो सिद्धार्थ जी की जो अपर मुख्य सचिव की जो सोच रही है, इसी सोच के हिसाब से उन्होंने काम भी शुरू किया है। तो यही परिपाटी इसमें डेवलप की जाएगी। निरीक्षण का कार्य भी अपना जो है, जो तुरंत पहुंचते थे या समय के पहले पहुंच, तो अब जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनकी मूल बोली कहीं चलने वाली नहीं है, किसी बड़ी बंदर उगाही की इसमें नहीं चलने वाली है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ संतोष जी, अन्य विषयों पे भी हमारी चर्चा उनसे हुई है। छुट्टी वाली जो शिक्षकों की सूची रही है उसमें हम लोगों ने ईएल की भी मांग को किया था, तो ईएल पे भी उनकी सहमति बनी है, वो भी पत्र कुछ दिन में निकल जाएगी। प्रोन्नति वाला भी जो विषय था, प्रोन्नति वाले विषय पे भी हमारी बात हुई है, वो भी पत्र उनका निकल जाएगा। सक्षमता वाली परिस्थिति में भी उनका ध्यान मैंने आकृत कराया था, इसलिए कि आपके चैनल पे एक खबर भी मैंने उस समय दी थी और आपने इस खबर को प्रकाशित किया था, जब 30 जनवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब मिल के आया था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह अवगत भी कराया था कि 1995-96 की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब सारे शिक्षकों को जिला से इधर उधर कर दी जाएगा। तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सिद्धार्थ जी हैं उनको ही उन्होंने कहा था कि आप शिक्षा विभाग में बात कीजिए और इधर इधर शिक्षकों को जो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है। तो आपको ज्ञात भी होगा कि 80-90% शिक्षकों को पहला जिला मिल चुका है। मैंने बस यह बात उनके संज्ञान में लाया कि आपके ही कहने पे उनको पहला जिला मिला है, तो जब यह पोस्टिंग की बात हो रही है तो पोस्टिंग में भी ध्यान दिया जाए कि शिक्षकों को ऐच्छिक च्वाइस विद्यालय ले लिया जाए, अगर जो शिक्षक जहाँ रहना चाहते हैं वहां उनको रहने दी
जो शिक्षक अगर जाना चाहते हैं, अगर उनका जिला बदल गया है, पहले जिला के च्वाइस में उनका आ गया है, उनसे कम से कम दो तीन विद्यालय का विकल्प ले लीजिए। आनंद जी, फिर तो वही चीज हो जाएगा जो शिक्षक जिसके कारण उनके खिलाफ माहौल बना, पढ़ाते नहीं है शिक्षक, समय पर जाते नहीं है, आप जनता जी लीजिएगा ऐसे, तब तो फिर वही रसातल में चल जाएगा बिहार शिक्षा व्यवस्था। शिक्षक तो पूर्व से भी पढ़ाते रहे हैं, अभी भी शिक्षक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा पाठक जी की जो मोनोपोली जो चली, तो उनकी जो डंडा चल रही थी, तो वो ऐसा कड़ाई कर रहा था, बताइए 6 बजे कह रहे थे कि विद्यालय हाजिर होइए, खाली पड़ी, तो उनकी जो डंडा चल रही थी, तो वो ऐसा कड़ाई कर रहा था, बताइए 6 बजे कह रहे थे कि विद्यालय हाजिर होइए, खाली पेट बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक 6 बजे जा रहे हैं, 3 बजे वहां से बच्चे भी लौट रहे हैं, शिक्षक भी लौट रहे हैं, तो इस तरह की परिपाटी कहीं से ठीक नहीं थी। लिबर्टी तो उनको देना ही चाहिए, और लिबर्टी तो बिल्कुल दिया जाता है, और मेन बात है कि जो हमें तो लगता है देखिए, ये जो पत्र निर्गत हुआ है, ये अपर मुख्य सचिव नहीं हुआ, ये निर्गत हुआ है मंत्री के कार्यालय से जी। क्या माना जाते है? माना तो इस पे तो अब यह सरकार का मुख्य है कि सरकार उस पे क्या निर्णय लेती है, लेकिन एस सिद्धार्थ जी बहुत ही सकारात्मक पदाधिकारी हैं, और एस सिद्धार्थ जी जब आए हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक रहा है कि मुख्यमंत्री जी के भी अपर मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के विश्वास पात्र भी रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री आनंद जी पत्र जारी हुआ है मंत्री सचिवालय से, मंत्री गोदान से, मंत्री के सहमति जो पत्र जारी हुआ है, इनके अपर मुख्य सचिव के पर शिक्षा विभाग के आदेश पर ये पत्र जारी नहीं है, इसमें कुछ ने कुछ खेला है। मंत्री के स्तर से पत्र इसलिए कि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त लिखा ही जाता है, निदेशक के द्वारा जो पत्र भी निर्गत होता है उसमें वह मेंशन ही होता है कि मंत्री की अनुमति प्राप्त होती है। जैसे आप देखते होंगे कि राजभवन से, राजभवन से अगर कोई पत्र निर्गत होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल के प्रधान सचिव के आदेश के बाद ही वो पत्र निर्गत होता है। तो यह तो एक परंपरा है, एक प्रोटोकॉल है, करने वाले तो मुख्य अपर मुख्य सचिव ही होते हैं, लेकिन अनुमोदन उनकी ली जाती है, तो कहीं ना कहीं फाइल तो मंत्री के पास भी जाती ही है। और कल जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा, एस सिद्धार्थ जी ने जो संज्ञान लिया, तो संज्ञान तो उन्होंने तुरंत लिया, सकारात्मक संज्ञान भी लिया, सकारात्मक पहल भी, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा हित में, शिक्षक के हित में, छात्र के हित में उन्होंने यह संज्ञान लिया है। और हम लोगों का तो यही दायित्व और कर्तव्य भी बनता है कि जो समस्या शिक्षकों के ऊपर, आप भी अपने मीडिया के माध्यम से लगातार शिक्षकों के सवालों को विगत कई वर्षों से लगातार उठाते आ रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार उनकी समस्याओं का निराकरण होते रहा है, क्योंकि आपने देखी है परेशानी, आपने देखी है पीड़ा, आपने देखी है बच्चों की तड़प को, आप देखे हैं शिक्षकों को बेहोश होते हुए। तो इस तरह के जो डंडे जो उनके द्वारा चलाए जाते थे, इस डंडे का विरोध भी आप लगातार अपने मंच से करते भी आ रहे थे, और उन सारी तस्वीरों को भी दिखाते आ रहे थे जो जनहित में और छात्र हित में और विकास हित में और समाज हित में नहीं था, तो वैसे डंडे को कम से कम रोकने की सबसे बड़ी पहल हुई है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसे जो भी पदाधिकारी है जो डंडे पे विश्वास करते हैं, समाज हित में नहीं सोचते हैं, कम से कम सिद्धार्थ जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, मैसेज यह देने में वो सक्षम रहे कि जनहित, शिक्षाविद या शिक्षाविद से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी राय उन्होंने लिया, और राय लेने के बाद एक सकारात्मक पहल उन्होंने की। कम से कम जो यह कम्युनिकेशन गैप एक उत्पन्न हो गया था, वह कम्युनिकेशन गैप की परिपाटी एक भरते हुए। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पर क्या कुछ बातें हुई है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से आनंद कौशल जी जो हैं लगातार मिलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में आनंद पुष्कर जी भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम चैनल के माध्यम से सीधे आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।